हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि आपने सुना है जनता कर्फ्यू है, इसलिए संडे बंद। तो आज आप घबराइए नहीं, घर में बहुत सारे काम हैं जिसे आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी बालकनी में मेरे जो प्लांट्स हैं इसकी आज मैं देखभाल करूँगी। बहुत सी पत्तियाँ इसकी ख़राब हो चुकी हैं, इसकी कटिंग करनी है। और इधर देखिए आप, जो ये मेरा पौधा है सौंफ का पौधा, अभी इसमें चावल का पानी डालना है। चावल का पानी इसलिए डालते हैं कि इसमें ग्रोथ अच्छी होती है। ये मेरा एक छोटा सा प्लांट है जिसे मैंने कहीं आसपास के जंगल से उठा लाया है। इसको लगाने के बाद मुझे इतनी प्रसन्नता मिली कि इसमें इतना सुंदर प्यारा प्यारा फूल आ रहा है। इसमें भी मैंने अपने चावल के पानी डाले थे। ये प्लांट है जिसमें फ्लावर्स आ चुके हैं, इसकी ट्रिमिंग करनी है आज, जिससे अच्छे ग्रोथ हो और फ्लावर्स भी अच्छे आएंगे। तुलसी का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग की, अब इसका ग्रोथ अच्छा होगा। इधर एक प्लांट है मेरा जिसकी एक पत्ती आप देख रहे हैं खराब है, जिसकी कटिंग करनी है। इधर भी कुछ प्लांट्स हैं जिसको मैंने कल शाम को ही लगाए हैं। यह है एक छोटे छोटे प्लांट मिर्च के प्लांट, इसे इसमें लगा दिए शाम को। इसलिए लगाया कि इसकी जो जड़ है अच्छी पकड़ लेगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे एलोवेरा में बहुत सारे प्लांट्स आ चुके हैं। इसको भी निकाल कर एक एक करके अलग अलग जगह पर लगा देनी है। अलग अलग जगह लगाने से क्या होगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। एक ये तुलसी का पौधा जो नया पनप रहा था, इसको मैंने कल शाम को लगा दिए। अभी लेमन ग्रास, इसकी भी कटिंग करनी है। कुछ पत्तियां इसमें सूख रही हैं, कटिंग करने से ये अच्छा बढ़ेगा और अच्छा दिखेगा। इस तरह से आप बालकनी को एकदम सुंदर सजा सकते हैं। कुछ बर्ड्स भी आप बनाकर इस तरह से अपने बालकनी में लगा दीजिए, जिससे बहुत ही अच्छी बालकनी आपकी तैयार हो सकती है। तो देर किस बात की, आप भी लग जाइए अपने बालकनी में। धन्यवाद।